केंद्र सरकार द्वारा सीएए कानून लाए जाने के बाद देश भर में कहीं इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं इसके समर्थन में भी जुलूस देखे जा सकते हैं। इसी क्रम में मंगलवार की शाम बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपाइयों एवं सीएए के समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला और भारत माता की जय घोष के साथ सीएए कानून के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की। शहर के गांधी चौक से शुरू हुआ यह मशाल जुलूस मुख्य स्टेशन रोड बाजार से गुजरता हुआ अहिंसा सर्किल पहुंचा, जहां यह मशाल जुलूस संपन्न हुआ। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई भाजपाइयों ने अहिंसा सर्किल पर सभा को संबोधित भी किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष आदुराम मेघवाल ने कहा कि देश भर में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने जो फैसला लिया है उससे पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इन दो जिलों में बड़ी संख्या में पाक से आए शरणार्थी निवास करते हैं जो काफ़ी समय से भारत सरकार पर आस लगाए बैठे थे। सीएए नागरिक संशोधन कानून को लेकर आज बाड़मेर जिले के अंदर जन जागरण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने एक मिसाल जुलूस के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को नागरिक संशोधन कानून को लेकर जिनको हम आज जो एकत्रित आए हैं सबसे पहले तो उनको बधाई देते हैं कि हमारे बाड़मेर जिले के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर पाकिस्तान से विस्थापित अनेकों संख्या के अंदर यहाँ है, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी जो है समस्या को लेकर ये कानून जो है उनको नागरिक देने का काम करेगा, न कि जो है नागरिक किसी की छीनने की बात है। ये स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कानून है ये कानून उन लोगों को है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक जो है धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो लोग हैं वो यहाँ वर्षों से भारत के अंदर रह रहे हैं, उनको सरकारी योजनाएं कोई नहीं मिल रही है और उनको जो है नागरिक देने का जो काम कर रहा है। मैं ये जो है बिल लाए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वर्षों से पीड़ित जो है हमारे विस्थापित है उनको आपने जो है राहत दी है, न कि जो है किसी का ये कानून जो है नागरिकता छीनने का है। राजस्थान के अंदर और राजस्थान के मुखिया को इस कानून को लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्षों से जो हमारे यहाँ विस्थापित रह रहे हैं उनको जो है नागरिक देने का कानून है। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि यह कानून उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान जैसे देश में रहकर प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं और भारत में आकर अपना जीवन बसर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार जल्द ही इस कानून को लागू करें और राजस्थान में रह रहे शरणार्थियों को राहत दें।